रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक पिता ने अपने बेटे के खिलाफ रचे गए झूठे षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की चौखट पर उसकी बेगुनाही के लिए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि नसीराबाद थाना क्षेत्र के गांव गंगापुर निवासी बब्बन प्रसाद पुत्र भक्ति दीन तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर संपत्ति के विवाद में बेटे के विरुद्ध झूठे मुकदमे से राहत की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उनकी बहन प्रेमा देवी पूरे लाला उपाध्याय मजरे चतुरपुर निवासी कमल उपाध्याय के चाचा को ब्याही है, जिसके कोई संतान नहीं है और अपनी बहन की देखरेख वह लोग खुद करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेमा देवी अपनी जमीन और मकान का बैनामा बब्बन प्रसाद के बेटे के नाम करना चाहती है। इसी से क्षुब्ध होकर कमल उपाध्याय बब्बन के बेटों को, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके लिए विपक्षी ने गांव की ही एक महिला का सहारा लेकर झूठा मुकदमा लिखवाया है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि उनका बेटा पढ़ाई करता है और उसका संबंधित महिला से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, न ही कभी उनसे मिला। उसके बाद भी संपत्ति हड़पने के चक्कर में उस पर दबाव बनाने के लिए उसके बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच न हुई तो उनके शिक्षा ग्रहण कर रहे पुत्र का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। पीड़ित ने एसपी से संबंधित महिला का डीएनए टेस्ट कराने और अपने बेटे के मोबाइल नंबर की घटना वाले दिन की लोकेशन जांचने की मांग की है। पीड़ित ने अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि उसके बेटे को झूठे मुकदमे में जेल भेजा जाता है तो वह अपने परिवार समेत जिला मुख्यालय पहुंचकर आत्मदाह करेगा। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम आगम तिवारी है। क्या मामला है पूरा बताइए। जी, हमारे भैया को प्रॉपर्टी के मामले में धोखा फंसाया जा रहा है। कमल उपाध्याय जो ग्राम चतुरपुर के मौके के प्रधान है, वो अपने मजदूर के को राजी करके उसके माध्यम से हमारे भाई के ऊपर 376 वाई सी एस टी एक्ट लगवाए हैं जमीन के विवाद में। हमारी बुआ उनकी चाची हैं और हमारी बुआ ने प्रॉपर्टी हमें देने का फैसला किया। इसी के चलते वो हमें धमकी भी देते थे और कहते थे कि तुम्हें मरवा देंगे, और हमारी बुआ को भी धमकी देते थे। तो और इसीलिए उसके बाद जब कोई नहीं माना, बाद में उन्होंने ये केस करवा दिया। जो महिला, जिस महिला को उन्होंने, जो इस महिला ने आरोप लगाया है, वो उनकी मजदूर है और उनके घर आना जाना उसका लगातार रहता है। जी जी, लगातार उनका आना जाना रहता है और इसीलिए प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्होंने हमारे भाई को गलत जुर्म में फंसा दिया। हम लोग एसपी साहब से यही कहने आए हैं कि अगर हमारी न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार इतना कलंक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। यही एसपी साहब ऑफिस के सामने है। मेरा नाम सीलू है सर। वो मेरी बुआ ना, हमारी बुआ ने, हमारी बुआ को ये बच्चे नहीं है। हमारी बुआ को जमीन लेने के लिए वो धमकी देते हैं। मेरी बुआ गाली वाली भी देते हैं, कहते आप पूरे परिवार वालों को मरवा डालेंगे जमीन लेने के लिए। जब उनको जमीन नहीं देती है वो, तो उनको मारने की धमकी देते हैं कि आपकी मार्के वाले पूरे परिवार को मरवा देंगे। हमेशा इसी चीज़ की धमकी देते रहते हैं। हमेशा उनको बुआ बहुत तारीफ करते हैं इस चीज़ के लिए। तो फिर क्या हुआ सर? वो जमीन नहीं देना चाहती है उनको, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वो मतलब उनकी सेवा पानी नहीं करते हमारी बुआ की। कहते अपनी मार्के वाले जमीन दे, उनको जमीन नहीं देती। जमीन पाने के लिए सर ऐसा कर रहे हैं। कैसा कर रही है सर? मेरे भाई को जो उसको बलात्कार के आरोप में फर्जी फंसाया जा रहा है, जबकि मेरा भाई बिल्कुल सर निर्दोष है। इसकी आप सर जांच करवा सकते हैं। अगर मेरा भाई आरोपी पाया जाए तो उसकी जांच करवा दें। और सर नहीं कर, ऐसा नहीं करेगा तो हम लोग यहीं पे आत्महत्या करके मर जाएंगे। मेरे भाई को न्याय मिल जाए तो सारे लोग सर यहीं में आत्महत्या करके मर जाऊंगे। साहब के ऑफिस का स्वागत सर।